हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2 का प्रॉब्लम नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या करने हैं, हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है और उसमें दो कंडीशन दिए हुए हैं कि उसके थर्ड टर्म जो है 16 के बराबर है और सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 से ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए हम पहले अज्यूम कर लेते हैं यहाँ कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, और अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता चल जाए तो हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ऑफ द एपी, ठीक है, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, यहां पर गिवन थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म इज 16, तो A3 इज इक्वल टू 16। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो 3 माइनस वन मीन्स 2 हो जाएगा 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 16। ठीक है, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं अपना इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि सेवंथ टर्म एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म से बाय 12, एंड सेवंथ टर्म मीन्स A7 माइनस A5। ठीक है, और ये बराबर होगी आपको 12 के बराबर, तो A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D माइनस A5 को लिख सकते हैं आप A प्लस 4D। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला यहां हम यूज किए हैं इक्वल टू 12। अब देखिए इसे ओपन करेंगे तो A तो कैंसिल हो जाएगी और 6D माइनस 4D कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ D इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। ठीक है, अब देखिए D की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ D जो हमारा 6 आया, ठीक है, इन इक्वेशन 1 वी गेट A प्लस ट्वाइस ऑफ D और D की वैल्यू हमारी आएगी 6 इक्वल टू कितना के बराबर है, ये हमारा 16। ठीक है, तो ये हमारा हो गया A इक्वल टू 4 आ जाएगा, 16 माइनस 12। ठीक है, तो अब हमें देखिए A पता है और D पता है। ठीक है, सो A means first term of the AP equal to 4 and common difference D equal to 6। तो AP हम calculate कर सकते हैं, AP के सारे term find कर लेंगे। Hence, the required arithmetic progression or required arithmetic progression is, देखिए first term है 4, तो first term तो 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा A plus D, तो 4 plus 6 equal to 10। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 10 प्लस 6 16, उसके बाद 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही हमारा एपी हो गया, रिक्वायर्ड एपी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।